हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज ही आपका एग्जाम हुआ है सीटेट का, ठीक है? तो ये जो वीडियो रहेगी, ये सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर की से रिलेटेड रहेगा कि उस जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स क्या रहेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये सबसे पहले मैंने एक कोड लिया है सीटेट का। क्वेश्चंस वही है आपके, बस रैंडमली क्वेश्चन नंबर चेंज किया गया है। तो सबसे पहले यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये आपका सीडी का पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा थर्ड, मध्य बाल्यावस्था, ठीक है? ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या होगा? जेंडर पहचान। नेक्स्ट आपका, बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ का सेकंड रहेगा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो आपका 5 का आंसर क्या रहेगा? 3, जीन पियाजे, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दिया है, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायोगोस्ट की किस तरह संबोधित करते हैं? तो 6 का आपका आंसर क्या रहेगा? 2, जोर से बोलना, ठीक है? सेकंड आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रबलन, आपका आंसर फर्स्ट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेकंड, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो 9th का आंसर क्या रहेगा? 4th रहेगा आपका, प्रबलन। नेक्स्ट है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या रहेगा? सेकंड रहेगा आपका, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो 11th का आंसर क्या रहेगा आपका? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर फर्स्ट रहेगा, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 13th का आंसर क्या रहेगा? 4th रहेगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे दिया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या तैयार करना चाहिए? तो 14 का आंसर क्या रहेगा? 3rd रहेगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आंसर क्या रहेगा? 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से
किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ रहेगा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, क्वेश्चन नंबर 17, तो आंसर क्या रहेगा इसका? प्रबलन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ रहेगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो 19th का आपका आंसर रहेगा सेकंड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से है, तो 20th का आंसर क्या रहेगा? सन्निहित है, ठीक है, आपका आंसर रहेगा संवेग, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, आपका सेकंड रहेगा स्वतंत्र, आपका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में दिया है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 21 का आंसर रहेगा फोर्थ आपका, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो 22 का आंसर रहेगा फर्स्ट आपका, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो 23 का आंसर रहेगा फर्स्ट, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या रहेगा आपका? सेकंड आंसर रहेगा, सेकंड के अंदर क्या दिया है? 2 और 3, 2 में क्या दिया है? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो 25 का आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट आपका, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो उसमें 26 का आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ रहेगा, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो 27 का आंसर क्या रहेगा आपका? थर्ड आंसर रहेगा, मध्य बाल्य अवस्था एवं किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 28 का आंसर क्या रहेगा आपका? फोर्थ रहेगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक का उदाहरण क्या होगा? विद्यालय मीडिया, ये आपका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट था, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाकी जितने भी पार्ट्स बचे हैं अभी मैं वो भी अपलोड कर देती हूँ अपने चैनल के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।